एक बार फिर रेल हादसे ने देश को दहला दिया था। यूपी के गोंडा में गुरुवार दोपहर 2:30 बजे के करीब एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए थे। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 30 से ज्यादा यात्री घायल बताए गए हैं। लेकिन अब मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 4 पहुंच गई है। शुक्रवार को कोच के नीचे दबे एक महिला का शव बरामद किया गया, जिसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। महिला का शव ट्रैक किनारे फैली गिट्टी के नीचे दबा हुआ था। पुलिस ने शव को पंचायतनामा कराकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा गोंडा स्टेशन के आगे मोतीगंज क्षेत्र में हुआ था। मनकापुर पहुंचने से पहले ही ये घटना हुई थी। ट्रेन का अगला स्टेशन गोरखपुर था। ऐसे में गोरखपुर स्टेशन पर अपनों को लेने पहुंचे लोगों में भी अफरा तफरी मच गई थी। बताया जाता है कि घटना दोपहर 2:45 बजे के करीब हुई थी। ट्रेन गोंडा से चलने के 10 मिनट बाद ही हादसे की शिकार हो गई थी। ज्यादातर यात्री घायल एसी कोच के ही हैं। जानकारी के अनुसार ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। बता दें, ट्रेन बुधवार रात 11:39 पर चंडीगढ़ से रवाना हुई थी और गुरुवार दोपहर 2:37 पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसा झिलाही स्टेशन के गोसाई डिहवा में हुआ, जिसकी अयोध्या से 30 किलोमीटर और लखनऊ से 129 किलोमीटर दूरी है। दुर्घटना में एसी के 3 कोच समेत 15 बोगियां पटरी से उतर गई थी। इनमें से 3 पलट गई थी। रेलवे अधिकारी रेल लाइन सही कर ट्रेनों का संचालन करने के प्रयास में जुटे हुए थे और आखिरकार 24 घंटे के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। बता दें, रेलवे विभाग की तरफ से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है।